एक बड़ी कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं होते जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी एबी। एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे और राजा की उम्र ढलती जा रही थी। उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना था, अगले राजा की घोषणा करनी थी। वो चाहते थे कि ऐसा राजा हो जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा भी खुश रहे, राज्य का विस्तार भी करे। कुल मिला करके एक अच्छा राजा वो चुनना चाह रहे थे। लेकिन 100 राजकुमार थे। राजा साहब सबसे बराबर का प्यार करते थे और रानी साहिबा भी सबसे बराबर का प्यार करती थी। एक का चुनाव करे तो करे, कैसे करे। राजा ने एक तरकीब सोची और उन्होंने कहा कि सारे राजकुमारों से कि आपके लिए भोजन रखी गई है, शाम में आप सभी को पधारना है। सारे राजकुमार पहुंचे राजमहल के सामने जो प्रांगण था, वहाँ भोजन की तैयारियाँ की गई थी। 56 पकवान वाली थालियाँ मंगवाई गई। सब राजकुमारों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, सब आकर के बैठे। राजा ने उस भोज में नहीं पहुँचे, वे झरोखे से देख रहे थे। जैसे ही भोज शुरू होने वाला था, राजा के सेवकों ने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते वहाँ छोड़ दिए। अब कुछ जो राजकुमार थे वे गुस्से में खड़े हो गए, वे शिकार करने के लिए निकल पड़े। उन शिकारी कुत्तों का कुछ जो राजकुमार थे वे डर कर भाग गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया था। यह बात जो थी वो पूरे राज्य में फैल गई, वहाँ पर भोजन ही नहीं हो पाया। अब प्रजा भी परेशान कि राजा ने उत्तराधिकारी का चुनाव किया होगा तो किया कैसे होगा। लेकिन राजा ने अगले दिन ही ऐलान करवा दिया कि आज जब सभा लगेगी तो आपके सामने राज्य का अगला राजा यानी कि अगला उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को कि क्या होने वाला है। सभा लगी, राजा पहुंचे, राजा विक्रम ने सभी राजकुमारों को बुलाया। मंत्री थी, प्रजा थी, सारे लोग वहां थे। उन्होंने एक सवाल सबसे पूछा, पहले राजकुमार से पूछा जो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, क्या आपने भोजन किया। तो उन्होंने कहा, कहाँ करता महाराज, पिताजी आप तो जानते हैं पहरेदार कितने निकम्मे हो चुके हैं, इन्होंने शिकारी कुत्तों को भी नहीं रोक पाए, हमें जाकर के शिकार करना पड़ा, 3-4 को मैंने वहाँ निपटा दिया। दूसरे राजकुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं डर करके भाग गया पिताजी, मैं वहाँ नहीं रुका। ऐसे ही बारी बारी से सब लोगों ने घुमा फिरा करके जवाब दिए। एक राजकुमार ने कहा, हाँ पिताजी मैंने भोजन किया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। उस राजकुमार का नाम था शांतनु। राजा ने पूछा, शांतनु आप सभा को बताओ कि तुमने भोजन किया तो किया कैसे। शांतनु ने बतलाया कि 99 राजकुमार की थाली वहाँ पकवानों की सजी हुई रखी हुई थी। जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता, मैं थाली को आगे कर देता, जो शिकारी कुत्ता था वो खाना खाने में व्यस्त हो जाता और इस तरह मैं अपना भोजन अच्छे से स्वादिष्ट भोजन मैंने किया। ये जवाब सुनकर सभा में तालियां बजने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई और राजा साहब ने ऐलान कर दिया अगले राजा का नाम है शांतनु। यह छोटी सी कहानी हमें बतलाती है कि जिंदगी में हर किसी की समस्याएं हैं, असफलताओं का रोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए, सल्यूशंस के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके पास ही कहीं सल्यूशंस है, अगर आप चाहें तो आपको आसानी से मिल सकती है। सो एट द एंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एफबी से मेरे से ज़रूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड एट द एंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।